इसके बाद आते हैं अपनी दूसरी कंडीशंस पे, दैट इज नोन टू बी एज द एक्टिव एंड पैसिव कंडीशंस। अब ये एक्टिव एंड पैसिव कंडीशन क्या होती है, कुछ वन लाइनर कंसेप्ट बनेंगे, वो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। एक्टिव स्टेट क्या होता है, आप सभी को पता है कि इफ दिस इज योर रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेनिंग वॉल इज हैविंग द सॉइल ओवर हियर एंड द सॉइल इज हैविंग सम प्रेशर लाइक दिस एंड इट्स इफेक्टिव सीन इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा एच, ये सबको पता। मैंने कहा कि आपके प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आकर आपकी वॉल कुछ इस तरीके से अगर आगे की तरफ डिस्प्लेस करती है, आपकी वॉल अगर आगे की तरफ डिस्प्लेस करती है तो इसी कंडीशन को आप लोग नाम देते हैं एक्टिव स्टेट कंडीशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्यों होता है, आई विल ओनली से वन थिंग टू यू, नोट करके लिख लीजिएगा, वैसे नोट करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना नोट करे भी ध्यान में रहना चाहिए, कॉमन सेंस। इट इज ड्यू टू टू रीजंस, ये दो फैक्टर की वजह से आपको देखने को मिलता है। जनरली पहला तो यही होता है कि आपके लोड का इंक्रीमेंट होगा, आपके लोड में अगर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है तो मिट्टी के अंदर शेयर फेलियर आता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर यही देखने को मिलता है यदि आपके मिट्टी के वाटर कंटेंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर आपके मिट्टी का वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो आपके मिट्टी के अंदर क्या होता है, तो आपके मिट्टी के अंदर आपको इस तरह का शेयर फेलियर देखने को मिलता है और वॉल आगे की तरफ जाती है। तो ये दो कंडीशन में आपको एक्टिव स्टेट मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने तुमको कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्टिव स्टेट कंडीशन के अंदर आप सभी को पता है कि आपका लेटरल स्ट्रेन कैसा होता है, आपका लेटरल स्ट्रेन पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉल जाती है, यानी आपके बॉडी पर लगने वाले स्ट्रेन की वजह से इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कम हो जाता है। जैसे मैंने तुम्हें सुबह बताया था, अपने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आप एक स्ट्रेस ऐसे लगा रहे हैं और दीवार अगर ऐसे हो गई तो आपको बड़ा रिलीफ फील होगा कि आपकी बॉडी पे लगने वाला स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा और दीवार डिस्प्लेस कर जाएगी। यानी जब इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होती है तो आपके डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपके स्ट्रेस का इफेक्ट कम आता है, यानी स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है। आई मीन टू से लेटरल स्ट्रेन अगर बढ़ रहा है तो लेटरल स्ट्रेस में कमी आती है ना। यानी मैंने कहा कि यहां पर लेटरल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो जाहिर तौर पर आप सभी कह सकते हैं कि आपकी बॉडी पे लगने वाला लेटरल स्ट्रेस ये डिक्रीज होगा, कम लगेगा। तो इसका वन लाइनर वैल्यू होता है, वो वन लाइनर वैल्यू आप सभी को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप बात करते हैं यहां पर डेंस सैंड की तो आपकी बॉडी पे लेटरल स्ट्रेन कितना आता है, आई एम सेइंग दैट लेटरल स्ट्रेन, दैट इज द लेटरल स्ट्रेन सिंबल, ये लेटरल स्ट्रेन है। डेंस सैंड के केस में ये 0.2% देखने को मिलता है और लूज सॉइल के केस में ये 0.5% देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही पे अगर मैं बात करता हूं ठीक इसी स्टेट की, तो इस स्टेट के अंदर जो मेरे पास कॉफिशियंट आता है, कॉफिशियंट की बात फिर बाद में करता हूं या पढ़ाई दू पहले, या चलो रुक जाओ। दूसरी स्टेट मेरे पास आती है मेरे प्यारे बच्चे, जिसको नाम दिया जाता है पैसिव स्टेट। क्या कहते हैं उसको, दूसरी स्टेट को मैं नाम देता हूं पैसिव स्टेट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, पैसिव स्टेट क्या होता है, पैसिव स्टेट में आप सभी को पता है कि अगर ये आपकी दीवार है और इस दीवार के पीछे ये आपकी मिट्टी है और इस मिट्टी पे आप लोगों ने लगाया एक सिग्मा वी और यहां लग रहा है सिग्मा एच, लेकिन कंडीशन कुछ इस तरीके की बनती है कि आपकी वॉल पीछे की तरफ जाती है, यानी लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी वॉल पे पीछे की तरफ मूवमेंट आती है, यानी सॉइल के ऑपोजिट जाती है, पीछे जाती है, आगे नहीं आती। तुमने कहा ऐसा जनरली कब होता है, मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन नोट करके जरा इसको एनालाइज करने की कोशिश करो, व्हेनेवर देयर इज द नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट इन द सॉइल, व्हेनेवर देयर इज नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट इन द सॉइल, जब मेरी मिट्टी के अंदर नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट ऐसा देखने को मिलता है। अभी नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है इसको समझते हैं, मैं एक एप्लीकेशन आपको देता हूं कि जब मिट्टी के अंदर पानी होता है तो पानी की वजह से आपकी मिट्टी के अंदर का इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता है, सबको पता है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी के अंदर वही पानी सक्शन के रूप में उपस्थित होता है, पानी वही है, जो मिट्टी में पानी था वही पानी वही पोर्स में है, लेकिन वो पानी अभी दूसरे अवेलेबिलिटी दूसरे
नेचर में अपने आप को दिखा रहा है। पहले वो पानी पोर्स में उपस्थित था, नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कैपिलरी एक्शन के तहत सक्शन में जा रहा है। जब सक्शन में जाता है तो तुमको एक बात पता है, आपकी मिट्टी पे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, और जब कैपिलरी एक्शन मिट्टी पे होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है, तो जाहिर तौर पे पार्टिकल का कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। पार्टिकल का कॉन्टैक्ट बढ़ने का मतलब है पार्टिकल के बीच का कॉन्टैक्ट प्रेशर बढ़ जाता है, और पार्टिकल के कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी का मतलब है आपकी मिट्टी अपने आप को एक सिकड़ी हुई स्टेट में शो करती है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्पेक्शन होता है उतनी ज्यादा शियर स्ट्रेंथ होती है, उतना ज्यादा आपकी मिट्टी के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेंथ होता है। और कैपिलरी एक्शन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जितना ज्यादा कैपिलरी एक्शन उतना ज्यादा शियर स्ट्रेंथ, यानी मिट्टी अपने आप को कॉम्पेक्टिव स्टेट में शो करती है, और कॉम्पेक्शन यानी सिकुड़ने की वजह से आपकी वॉल पर पीछे जाने के चांस बन जाते हैं। ऐसा कब होता है? अपने आप कभी नहीं होता, मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि जब वॉल किसी जमीन के अंदर गाड़ी जाती है, जब वॉल किसी जमीन के अंदर गाड़ी जाती है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये वॉल असली में यहां पर थोड़ा सा जमीन के नीचे यहां पे हिस्सा होता है, थोड़ा सा यहां पे होता है स्टेबल बनाने के लिए। तो होता क्या है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर अगर कैपिलरी एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव स्ट्रेस बन गया, तो यहां से तो बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ ही रहा है, यहां से तो प्रेशर पड़ ही रहा है, तो मेजर हिस्सा आपकी मिट्टी का इस वॉल को पीछे की तरफ धकेलता है, तो मेजरली वॉल पीछे जाती है इसकी वजह से, तो इसीलिए पैसिव स्टेट देखने को मिलता है, ठीक है, ये एक चांस होता है। तो बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर कि आप सभी को समझ में आ गया बेसिकली कि ये पैसिव स्टेट है क्या। अभी पैसिव स्टेट के अंदर आप सभी को पता है कि लेटरल स्ट्रेन कैसा है, आपको पता है आपका लेटरल स्ट्रेन कैसा है, नेगेटिव है, यानी आपका लेटरल स्ट्रेस कैसा होगा, जाहिर तौर पे इंक्रीज होगा, आपका लेटरल स्ट्रेस इंक्रीज होगा, क्योंकि मिट्टी दब रही है तो लेटरल स्ट्रेस इंक्रीज है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज है। एंड आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप सभी को यह देखने को मिलता है अक्सर कि आपका एप्सिलन बोले तो लेटरल स्ट्रेन कितना कितना होता है। पैसिव स्टेट के अंदर अगर आपके पास कोई डेंस सैंड है तो उसमें आपका 2% तक स्ट्रेन देखने को मिलता है, और अगर आपके पास कोई लूज सैंड है तो उसमें आप सभी का 15% तक स्ट्रेन देखने को मिलता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं।